स्टूडेंट्स, प्लस वन बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स की बात करेंगे कि इसके लाभ क्या क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन, सरल स्थापना। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इनको एस्टेब्लिश करना काफ़ी इजी होता है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। कोई भी एडल्ट व्यक्ति, जिसकी एडल्ट व्यक्ति का मतलब है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, वो रजिस्ट्रार के पास जाके इसका रजिस्ट्रेशन करवा कर जो है वो इसकी स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। जो भी इसके मेम्बर्स होते हैं सोसाइटी के, उनका जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। जितनी कि उन्होंने कैपिटल लगाई है, वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अगर इन सोसाइटीज़ को कोई लॉस होती है या बाहर से कोई ऋण लिया है उसका वापस करना है, तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई आंच नहीं आती। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो है वो स्टेबिलिटी पाई जाती है। अगर किसी सदस्य को कुछ होता है, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, या उसका दिवाला निकल जाता है, बैंक्रप्ट हो जाता है, तो भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर कोई असर नहीं होता। ये एज इट इज़ चलती ही रहती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, वहाँ एक ही व्यक्ति होने के कारण अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है या वो उसका दिवाला निकल जाता है, तो उसका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति मालिक होता है उसका। लेकिन इसमें बहुत सारे मेंबर्स होने की वजह से अगर किसी को कुछ होता भी है तो बिजनेस एज इट इज़ चलता ही रहता है। नेक्स्ट है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कम क्रियात्मक खर्चे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस बहुत कम आते हैं, क्योंकि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो इन सोसाइटीज़ में काम करने के बदले में कोई भी कंसीडरेशन नहीं लेते, कोई प्रतिफल नहीं लेते, यानी कि कोई सैलरी नहीं लेते, कोई रेमुनरेशन नहीं लेते, जिसकी वजह से इन सोसाइटीज़ के एक्सपेंसेस जो है वो कम आते हैं। नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेजेस, कर लाभ। तो गवर्नमेंट जो है वो इनको टैक्स में भी रिबेट देती है, छूट देती है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सोशल वर्क करती हैं, प्रॉफिट नहीं अर्न करती, जिसकी वजह से सरकार भी इन्हें टैक्स में रिबेट देती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, सरकारी संरक्षण। तो गवर्नमेंट भी इनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, क्योंकि इन सोसाइटीज़ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं, तो सरकार जो है इनको ग्रांट या फिर आसान शर्तों पर जो है वो लोन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स, सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। सरकार भी इनको ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो चीप रेट पर जो है गुड्स जो है वो सप्लाई करती हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट है चेक ऑन अदर बिजनेस, दूसरे व्यवसायों पर नियंत्रण। क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कम रेट पर गुड्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को, इसलिए जो अदर बिजनेस होते हैं, दूसरे व्यवसाय होते हैं, वो भी अपनी वस्तुओं के रेट फिक्स करने से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रेट को ज़रूर देखते हैं। अगर वो उनसे ज़्यादा रेट रखेंगे तो उनकी वस्तुएं जो है वो नहीं बिकती, तो इसलिए उनको भी सोच समझकर जो है वो अपने प्राइस जो है वो फिक्स करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये सोसाइटीज़ जो है वो अदर बिजनेस पर भी चेक रखती हैं एक प्रकार का। तो ये थे बच्चों इसके मेरिट्स। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। जहाँ गुण पाए जाते हैं वहाँ दोष भी होते ही हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की है वो है लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। क्योंकि इसमें सब लोग जो इसके मेंबर्स होते हैं, सब लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग को लगाते हैं,
अमाउंट तो बड़ा बन जाता है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता, इतना सफिशिएंट भी नहीं होता कि वो एक बहुत बड़ा जो है वो काम डेवलपमेंट कर सकें या बहुत बड़ी राशि जो है वो हो जाए। फिर भी इनमें पूंजी की कमी ही रहती है। सेकंड है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, अकुशल प्रबंध। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी मेंबर्स होते हैं वो बिना सैलरी के ही काम करते हैं, इसलिए उनमें से ही कुछ मेंबर इसके प्रबंधक बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, जो कि मैनेजिंग स्किल में स्किल इतनी उनकी अच्छी नहीं होती, तो इस तरह से अकुशल प्रबंध जो है वो इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग, नगद विक्रय। तो ये जो है वो इसका प्रॉफिट मेरिट भी माना जाता है और लिमिटेशन भी मानी जाती है। सिर्फ ये नगद ही बिजनेस करती हैं, उधार नहीं बेचती, इसलिए ये इसका मेरिट मान लिया जाता है। लेकिन उधार के बिना कोई बिजनेस चलता नहीं है। जो लोग इन नगद नहीं खरीदना चाहते, उन जिनको उधार चाहिए होता है, तो वो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से माल ना लेकर जो दूसरे बिजनेस मैन होते हैं उनसे वो सामान खरीद लेते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ कैश ट्रेडिंग ही करती हैं, उधार ट्रेडिंग नहीं करती। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो जो सहकारी समितियां होती हैं इनमें जो सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य रखे जाते हैं वो सरकार के द्वारा रखे जाते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है वो सदस्य भी चेंज हो जाते हैं, और जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो अपने सदस्यों को रखती है, तो इसलिए वो लोग जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो इन सोसाइटीज़ में करते रहते हैं, तो इस वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इसमें काफ़ी होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो सोशल सर्विस पर बेस्ड होती हैं, इसलिए जो भी मेंबर्स इसमें काम करते हैं उनको कोई भी डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं मिलती, प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो बिना सैलरी के करते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई बोनस नहीं मिलता, कोई किसी प्रकार का और फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती उनको, तो जिस वजह से उनमें प्रेरणा की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता के विश्वास की भी कमी देखी गई है इसमें, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है वो इसकी समिति के सदस्य बन जाते हैं जो पॉलिटिक्स से प्रेरित होते हैं, उनका घटिया बिहेवियर देखकर जो है वो पब्लिक भी इनमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखती है, पब्लिक इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो है वो अपना विश्वास नहीं दिखाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपने जो अकाउंट्स हैं वो वार्षिक रिपोर्ट या जो भी अकाउंट्स होते हैं रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड करवाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर वर्ष इनको अपने अकाउंट्स जो है और एनुअल रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार के पास पेश करनी पड़ती है, जिससे इनमें गोपनीयता नहीं रहती, सीक्रेसी नहीं पाई जाती बिजनेस की। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनकी सारी सीक्रेट बातें जो हैं वो रजिस्ट्रार के आगे खुल जाती हैं। लास्ट है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, आपसी झगड़े। वैसे तो ये समितियां स्थापित जब की जाती हैं तब इनके मेंबर्स में बहुत जोश होता है, वो काफ़ी जोर शोर से काम इसमें करती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि उनका जोश जो है वो धीमा पड़ता जाता है, फिर कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुट जाते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उन मेंबर्स में आपस में ही झगड़े होने लगते हैं, जिससे इनका जो है वो लेवल जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ये थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लिमिटेशंस। तो इस तरह से फिर भी हम कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो लोग जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना चाहते दूसरी दुकानों पे या दूसरी जगह, वो जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जाकर जो है वो लोन भी ले सकते हैं और गुड्स भी परचेज कर सकते हैं, और हर प्रकार की, मैंने आपको 6 प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बताई थी, तो हर प्रकार की जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है,
और उनके आपको ये भी बताए हैं कि उनसे क्या क्या फायदे जो है लोगों को हो सकते हैं। तो ये थी लास्ट में मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो आपका समाप्त होता है। थैंक यू।